हिंदुस्तान और ईरान के जो दो बायलेटरल रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज में 12 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड होता है, जिसमें जो है $10 बिलियन इंडिया ईरान जो है हमें ऑयल और गैस इस ये सब जो है एक्सपोर्ट करता है, 2.5 बिलियन जो है इंडिया जो है एक्सपोर्ट करती है। अब ये जो है ट्रेड जो है ईरान के फेवर में बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ईरान भी समझ रहा है, इसलिए वो चाहता है कि नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो बढ़ाया जाए, जिसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो चाहता है, ईरान भी चाहता है कि हमारा ट्रेड जो है एक नेचुरल बैलेंस में चले, ताकि जो है जो कि खरीद और फरोख दोनों बराबर रहे, ताकि जो है एक नेचुरल पार्टनर की तरह आगे बढ़ सकें। तो इसके तहत जो है प्रोजेक्ट फॉर ऑयल फॉर प्रोजेक्ट का एक मंसूबा दिया गया है कि ईरान भी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करे अपने ऑयल के थ्रू। और अभी हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के भी ऊपर जो है एग्रीमेंट साइन होगा, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईरान और हिंदुस्तान का रिलेशन एक ऐसे ऐसे मतलब पॉइंट पे पहुंचा है जहां पर एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत महसूस हो रही है। और मुझे लगता है कि करंट गवर्नमेंट जो है दिल्ली की करंट गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल विल को डिस्प्ले करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। इसने जो है जिस तरीके से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का दौरा किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 बार जो है 3.5 साल में 6 बार जा चुके हैं, उसमें जो है सऊदी अरब 2 बार, यूएई, कतर, ईरान, इसराइल, पैलेस्टाइन गए हैं, और हर कंट्रीज का एक अलग अलग जो है अपना मंसूबा था और उसको एक दूसरे से कट नहीं होने दिया है। तो चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे इसराइल हो, ये तीनों अलग अलग खाने हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और हमारी पॉलिसी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9% इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो यही खत्ता जो है हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आने वाले 20 अभी कई डिकेड्स तक हमको एनर्जी डिपेंडेंट रहना है।